राजधानी से सटे सीतापुर में गुंदला मऊ वो इलाका है जहां दो साल पहले रहस्यमयी बुखार से आधा सैकड़ा से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इसकी गूंज शासन स्तर तक सुनाई दी थी। कई जनप्रतिनिधियों सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित गांवों का भ्रमण कर स्थितियों की जानकारी ली थी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के निर्देश दिए थे। बावजूद इसके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में तैनात चिकित्सक अतीत से सबक नहीं ले पा रहे हैं। चिकित्सकों की लापरवाही का फायदा अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी उठा रहे हैं। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि अस्पताल खुलने और बंद होने का कोई समय निश्चित नहीं रह गया। शनिवार को भी जब इंडिया टीम ने पड़ताल की तो वहां 9 बजे तक अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा था। मरीज डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे थे। यहां डॉक्टर इरफान, आशुतोष सहित एक फार्मासिस्ट व वार्ड बॉय तैनात है। मरीजों का आरोप है कि डॉक्टर मिलते भी हैं तो दवाएं बाहर से लिखी जाती हैं। शनिवार को इलाज के लिए आए उमेश, मनोज, सर्वेश, संजय, लक्ष्मी, मलके, जीत बहादुर ने बताया कि वे लोग डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। आ इंडिया से वे क्या बोले, आप भी सुने। बाहर दवा क्यों लेने गए थे? बाहर तबीयत ज्यादा सीरियस है, दवाई के लेने गए तो डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हैं तब भी दवाई नहीं देते हैं। यहाँ आता है कोई? यहाँ तो बताते हैं डॉक्टर, आते नहीं कभी? कम आते हैं, ज्यादातर नहीं आते हैं डॉक्टर। डॉक्टर है नहीं? हाँ। मेरा नाम मनोज कुमार, ग्राम शंकरपुर निवासी, पोस्ट रामगढ़। यहाँ डॉक्टर साहब आते नहीं है, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय यही लोग जो है वो दवा देते हैं और डॉक्टर साहब मिलते नहीं, टाइम से आते नहीं। हम लोग बाहर से इलाज करवा रहे हैं, बाहर से दवा देते हैं, बाहर से दवा लिख देते हैं अगर मिलते हैं, अंदर से कोई दवा नहीं मिलती।